नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश परिक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत मालवा और निमाण रीजन में बिजली वितरण के प्रति घोर उदासीनता, लापरवाही बरतने एवं पदीय कर्तव्य पालन ठीक से नहीं करने पर 184 कर्मचारियों और अधिकारियों पर गाज गिरी है। प्रबंध निदेशक श्री विकास नरवाल के निर्देशन पर नियमित कर्मचारियों अधिकारियों को जहां निलंबित किया गया है, वहीं आउटसोर्स से कार्यरत करीब 89 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश परिक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीन 15 जिलों में बिजली के वितरण एवं अन्य विभागीय कामकाज की समीक्षा की गई। इसमें कई स्थानों पर इंजीनियरों, कार्यालयीन स्टाफ एवं आउटसोर्स के तहत अस्थायी सेवाएं दे रही कर्मचारियों की लापरवाही उजागर हुई। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आईपीसी केसरी के उज्जैन, इंदौर एवं बड़वानी दौरे के साथ ही प्रबंध निदेशक श्री विकास नरवाल के साजापुर, उज्जैन, देवास, खरगोन, धार, बड़वानी दौरे में गंभीर लापरवाही उजागर हुई थी। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच की। जांच में बिजली वितरण में लापरवाही, लोगों से व्यवहार ठीक से नहीं करने, कार्यालयीन कामकाज के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने, कंपनी मुख्यालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने की बात सही साबित हुई। इसके बाद निलंबन व नौकरी से बाहर करने की आदेश जारी किए गए। इंदौर के कार्यपालक निदेशक श्री गजरा मेहता ने बताया कि शहर अधीक्षण यंत्री सुब्रतो राय के प्रतिवेदन पर शहर के 6 इंजीनियर निलंबित किए गए। इसमें सहायक मंत्री अभय पांडे, डेली कॉलेज सीके चंदेल, एचटी एक्शन सेंट्रल डिवीजन, कनिष्ठ यंत्री राहुल यादव सुभाष चौक, भरत जैन तिलक नगर, संजय कुलकर्णी सिरपुर, अमर सिंह सोलंकी डेली कॉलेज शामिल है। इंदौर शहर के 10 लाइनमैन को भी लापरवाही के चलते निलंबित किया गया है। शहर के आउटसोर्स के 15 कर्मचारी सेवा से पृथक किए गए। इंदौर ग्रामीण के अधीक्षण यंत्री अशोक शर्मा के अनुसार सहायक यंत्री सुशील केथवास महू, कनिष्ठ यंत्री अरविंद जैन चिकलौडा, पिन जैन मिसरौद, अशोक ठाकुर तिल्लौर निलंबित हुए। इंदौर देहात के 4 लाइनमैन पर निलंबन की कार्यवाही हुई, वहीं 8 आउटसोर्स कर्मचारियों सेवा से हटा दिए गए। बड़वानी ग्रामीण के कार्यपालन यंत्री प्रमोद सोनी को भी निलंबित किया गया। इंदौर राजस्व संभाग में कुल 30 कर्मचारी अधिकारी निलंबित हुए हैं, जबकि कुल 60 आउटसोर्स कर्मचारी सेवा से पृथक किए गए हैं। उज्जैन के चीफ इंजीनियर श्री पुनीत दुबे ने बताया कि सुजालपुर के कार्यपालन यंत्री पीसी कंसौतिया एवं उज्जैन पश्चिम शहर संभाग के कार्यपालन यंत्री आरजी वासार को निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य 7 कनिष्ठ यंत्री एवं 44 लाइनमैन निलंबित हुए हैं, वहीं 31 आउटसोर्स कर्मचारी सेवा से पृथक किए गए हैं। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक श्री मनोज पुष्प ने एक बार फिर कर्मचारियों अधिकारियों को गंभीरता पूर्वक एवं उपभोक्ता हितेशी काम एवं व्यवहार के साथ दायित्वों का निर्वहन करने के प्रति चेताया है। हाँ, क्या नाम है आपका? सुभाष पाल। कहाँ पर रहते हैं आप? चम्बल स्टेशन। चम्बल स्टेशन पर रहते हैं। आपको कोई लाइट की समस्या? कोई समस्या नहीं। लाइट आपको भरपूर मिल रही है अभी? जी, बराबर मिल रही है। अच्छा, अभी कुछ दिनों में कुछ कटौती हुई थी क्या? सर, वो बरसात होकर आ गई थी, अंधे धुंध है, उसके अंदर आधा घंटा बंद हो गई थी। अच्छा, फिर कितनी देर में आ गई थी सप्लाई? एक घंटे के अंदर अंदर आ गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद बराबर सप्लाई मिल रही है आपको? बराबर मिल रही है। खेती के लिए सब बराबर है? अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? श्रीलाल गुजर। अच्छा, कौन से गाँव में रहते हैं आप? बहरामपुर। अच्छा, आपके घर की बिजली के लिए पूरी सप्लाई मिलती है आपको? कितने घंटे मिलती है? 24 घंटे। कोई लाइन में कंप्लेंट सुनते हैं टाइम पे? बराबर। अच्छा, अभी कोई बीच में लाइट गई थी कि कटौती हुई क्या लाइट की? कोई लाइट की कटौती नहीं हुई अभी आपको? अच्छा, और खेती के लिए आपको लाइट मिल रही है? खेती अपनी है ही नहीं। अच्छा, खेती अपनी नहीं, अपने घर की लाइट है, वो बराबर मिल रही है। ओके, धन्यवाद। जंगल की लाइट कितने घंटे? अच्छा, लाइट का लाइट के चले आप बताओ। लाइट कटौती चालू हो गई ऐसा तो अभी तक कुछ सुनने में और देखने में आया नहीं है कि कोई लाइट कटौती चालू हुई है। बाकी आगे अगर कुछ होगा तो बताएंगे, बाकी अभी बेहतर है। लाइट पहले से बेहतर मिल रही? हाँ, बेहतर है। सर, आपको पहले से नहीं, पहले भी ऐसी मिलती थी, अभी भी ऐसी मिल रही है। अभी कोई आगो से हाँ हो रहा है, जो इस लाइट जो जा रही, तो थोड़ा लाइट आ रही नहीं आ रही? नहीं आ जाती, लाइट आ जाती है। लाइट आ जाती, लाइन में भी आ जाते फोन लगा दे तो। लाइन नहीं तो आपको दुकान पे कितने घंटे सप्लाई मिल जाती है दिन भर में? दिन भर चलती है सर। दिन भर चलती है, कभी भी जो कोई बंद तो नहीं होती लाइन? कुछ हो जाती है, एक आध मिनट के लिए ज्यादा नहीं होती। अच्छा 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 अच्छा, अभी बीच में आंधी तूफान आया तब कोई बंद हुई थी क्या लाइट? कितनी देर के लिए हुई थी? हुई थी डेढ़ घंटे। डेढ़ घंटे? अच्छा, डेढ़ घंटे के लिए, एक आध डेढ़ घंटे के लिए हुई थी। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद आ गई थी? आ गई थी। तो उसके बाद से कोई कटौती तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, ठीक। खबर समय जगत के लिए इंदौर से पारस बारोट की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज स्वच्छ दिखाने का।
हम हैं आपकी आवाज़।